में बजरी खनन का काम करती हैं। चंबल की गोद में अवैध खनन, 24 घंटे हो रहा खनन, आंखों पर पट्टी बांधे बैठा प्रशासन। आज भी दुखी हूं वो बजरी को लेकर हूं, क्योंकि जनता लुट रही है। चंबल नदी को कोटा संभाग की लाइफलाइन कहते हैं, इसे माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसकी कोख को 24 घंटे खोखला किया जा रहा है। यहाँ किसी स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ सबूतों की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रशासन को सूचना की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे दर्जनों नावें अवैध खनन में लगी रहती है। लगातार यहाँ पर चंबल नदी के अंदर नावें चलती हैं, जो दिन और रात अवैध बजरी को निकालने का काम करती हैं। चंबल नदी के तट पर, चंबल के मुहाने पर दर्जनों की तादाद में ट्रैक्टर खड़े होते हैं, डंपर खड़े होते हैं, जो इस अवैध बजरी को भर करके ले जाने का काम करते हैं। और बड़े पैमाने पर चंबल नदी के तट पर यह अवैध बजरी का काला कारोबार फलता फूलता। जब सूबे के मुखिया अवैध खनन पर शिकंजा कसना चाहते हो, तो फिर ये सब हो कैसे रहा है? इसी खेल को समझने के लिए कुछ दिन पीछे जाइए, जब कोटा एसीबी ने फॉरेस्ट विभाग के कैटल गार्ड को अवैध खनन कारोबारियों से वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा था। चंबल नदी का ये इलाका कोटा और बूंदी जिले की सरहद बनाता है, तो लूट भी दोनों तरफ से होती है। जिस जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ इस तरह से समझिए कि एक तरफ यहाँ पर बूंदी जिला है, मेरे जिस तरफ मैंने हाथ आपको करके दिखाया, दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोटा जिला यहाँ पर लगता है, और इसी के बीच में चंबल नदी, जिसे माता का दर्जा दिया हुआ है, माँ चरमण्यवती, लेकिन इसके दोहन का जो काम है वो दिन रात चलता है, 24 घंटे चलता है, और अवैध बजरी के काले कारोबारी यहाँ पर अवैध बजरी का काला कारोबार करते हैं। बड़ी बात ये कि यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस थाना भी है, पुलिस की जानकारी में भी है, लेकिन शायद सब अनजान हैं और आंखों पर पट्टी बांधे हुए। अब ऐसा मत सोचिए कि इसकी किसी को जानकारी नहीं है, 24 घंटे सातों दिन हो रहे अवैध खनन की जानकारी सबको है, लेकिन जिन पर इसे रोकने का जिम्मा है वो वसूली करके आंखें मूंद लेते हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।